सीबीआई ने भाजपा नेता की हत्या मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री को लिया हिरासत में। जेपी नड्डा ने 8 नवंबर को बुलाए भाजपा महासचिवों की बैठक। कोरोना वायरस केरल में 1.6 तो दिल्ली में 1.5% की गति से बढ़ रही कोरोना की चाल। यस बैंक घोटाले में हाईकोर्ट ने वधवान वधू की जमानत याचिका की खारिज। केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेन से खगोल विज्ञान में समझौते को दी अनुमति। वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ाने के मामले में 20 राज्यों के जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान। प्रसारण भारती ने 51 शैक्षिक चैनलों के लिए किए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। इको सेंसिटिवी जोन के 50 किमी दायरे में खान की ई नीलामी पर